नमस्कार शिक्षक साथियों, NIVS के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू के डॉक्टर GN वालिया। डॉक्टर GN वालिया जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आज डॉक्टर GN वालिया जी हमारे साथ आकलन संकेतकों का निर्माण एवं व्याख्या विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आशा है कि आपके विचार और चर्चा से हम सभी लाभान्वित होंगे। डॉक्टर वालिया, इस चर्चा को प्रारंभ करते हुए मेरा पहला सवाल आपसे है कि आकलन संकेतक क्या होते हैं? जब कभी भी हम दक्षता के आधार पर बच्चों के अधिगम स्तर का निर्धारण करते हैं तो उसमें हमेशा मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग की बात आती है। ये दक्षताएं एक पाठ्यक्रम के माध्यम से समस्त विद्यालयों में लागू होती है और इस प्रकार एक समान दक्षताओं के आधार पर ही समस्त विद्यालय में शिक्षक अपनी शिक्षा की योजना बनाते हैं। प्रश्न यह है, क्या यह उचित है? क्या समस्त विद्यालयों में बच्चों के संप्रामित आकलन के लिए एक जैसा मानदंड निर्धारित करना चाहिए या फिर इसे तय करने की जिम्मेदारी स्वतंत्रता विद्यालय और शिक्षक पर छोड़ देनी चाहिए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तमाम प्रयोगों के अध्ययन के आधार पर ये निष्कर्ष बताते हैं कि किस प्रकार के मानदंड या संकेतक का निर्माण करने की स्वतंत्रता विद्यालय या उसके शिक्षक के पास होनी चाहिए। हमको मालूम है शिक्षक ही वह व्यक्ति होता है जो अपनी विद्यालय व कक्षा के बच्चों की आवश्यकता और संप्राप्ति से बेहतर ढंग से अवगत होता है। शिक्षक के पास विद्यालय से संबंधित जो भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, बालक बालिकाएं हैं, उनके बारे में सब तरह की सूचनाएँ उसके पास होती है। संकेतक बच्चों की इस प्रगति का आकलन करने में मदद करता है और शिक्षक ही इससे बेहतर ढंग से बना सकता है। अतः यह लचीली होती है और हो सकता है शिक्षक 2-3 संकेतकों को मिलाकर एक संकेतक बना ले या फिर एक संकेतक को 2 या अधिक संकेतकों में विभाजित कर अपनी शिक्षण कार्य योजना बना सकता है। तो सर्वप्रथम मैं बात करना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि जो संकेतक हैं वो क्या होते हैं। संकेतक हमें बच्चों के प्रगति के मानदंड प्रदान करते हैं। जब हम मानदंडों की बात करते हैं तो ये प्रश्न आता है कि मानदंड हमारा सार्वभौमिक हो या छात्र के अनुसार हो, तो ये संकेतक हमें हर बच्चे की अलग अलग प्रगति के मानदंड प्रदान करने में सहायता देते हैं। संकेतक हमें यह बताते हैं कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान और कितना कौशल अर्जित किया है। साथ ही साथ संकेतक हमें यह भी बताते हैं कि बच्चे की प्रगति की दिशा क्या है। साथ ही ये आकलन के प्रति शिक्षक व विद्यालय का नज़रिया प्रस्तुत करते हैं। यह नज़रिया स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपने मानदंडों के निर्धारण को दर्शाता है। आकलन से आई हुई सूचनाएं, उसकी व्याख्या करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं संकेतक। संकेतक हमें बच्चों के प्रगति के मानदंड प्रदान करते हैं। संकेतक हमें यह बताते हैं कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान और कितना कौशल अर्जित किया है। साथ ही संकेतक हमें यह भी बताते हैं कि बच्चे की प्रगति की दिशा क्या है। साथ ही ये आकलन के प्रति शिक्षक और विद्यालय का नज़रिया प्रस्तुत करते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सही दिशा में चल रही है या नहीं, यह हमें संकेतक से पता चलता है। पूर्व में हम प्रकरण के आधार पर अपनी शिक्षक योजना बनाते रहे हैं। अभी तक अगर आप देखें तो शिक्षक एक प्रकरण के आधार पर अपनी शिक्षक योजना बनाता रहा है, लेकिन आज हम पूरे विश्व स्तर पर इस चीज़ पर चर्चा करते हैं कि हम जो हमारे पास सूचनाएँ हैं बच्चों के बारे में उसके आधार पर हम संकेतकों का निर्माण करें और संकेतकों के निर्माण के आधार पर ही हमारी शिक्षण योजना बने। संकेतक प्रकरण का वह एक परिवर्धित रूप है जिसके अनुसार हम अपने प्रकरण को और स्पष्ट रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रकरण में एक अक्सर प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होती है, जबकि संकेतक स्पष्ट रूप से प्रक्रियागत शिक्षण की बात करता है। एक अंतर माना जाता है इन दोनों में। संकेतक बच्चों की प्रगति का आकलन करने में मदद करती है। हम सब जानते हैं कि शिक्षक को सतत और व्यापक मूल्यांकन
के लिए अपनी आँख खुली रखनी चाहिए ताकि वह संकेतक का लगातार इस्तेमाल करते हुए शिक्षक अधिगम प्रक्रिया की प्रभाविता का लगातार मूल्यांकन करता रहे और उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्धन करता रहे। संकेतक इसे प्रभावी तरीके से अमल लाने में शिक्षक की मदद करते हैं। मैं आपसे बल्कि ये कहूँ कि संकेतक पाठ्यक्रमीय लक्ष्यों पर आधारित होते हैं तो यह और स्पष्ट हो जाता है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें जो लक्ष्य निर्धारित होते हैं संकेतक उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं और इसकी महत्ता शिक्षण प्रणाली को निर्धारित करने में बहुत स्थान रखती है। डॉक्टर वालिया, आपने विस्तार के साथ बताया कि संकेतक क्या होते हैं, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि अधिगम आकलन की प्रक्रिया में संकेतक का क्या महत्व होता है। अभी जैसे मैंने चर्चा की कि संकेतक जो होते हैं वो हमारी पूरा दिशा निर्देशन में हमारे शिक्षण की जो एक प्रणाली है उसमें किस तरह से छात्रों के क्षमता के अनुसार हम अपनी शिक्षण प्रणाली का निर्धारण करें उसमें सहायता करते हैं। तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सीखने की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए बच्चों के सीखने की बेहतर समझ और उसे केंद्र में रखने के लिए संकेतक अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। संकेतक बच्चों की सीखने की दक्षताओं का आकलन करने के लिए भी एक रूपरेखा प्रदान करता है। और यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँ खास आपको कि संकेतक अभिभावकों, बच्चों और दूसरों के लिए भी बच्चों की प्रकृति को आसान तरीके से समझने के लिए एक संदर्भ बिंदु की तरह कार्य करते हैं। यहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि संकेतक विकसित करते समय हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो हमारे संकेतक का निर्माण कर रहे हैं हम लोग वो बालक बालिकाओं के उनके क्षमता के अनुसार हो, उनके लिए जो हमने एक शिक्षण प्रक्रिया का निर्धारण करना है उसके अनुसार हो। आपने जिस तरीके से बताया कि हम संकेतकों का क्या महत्व है, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे अधिगमकर्ताओं के साथ साझा करें कि संकेतकों का निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसकी विधि क्या है। देखिए, जब हम संकेतकों के निर्माण की बात करते हैं और उसकी विधि और प्रक्रिया की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम किसी विशेष स्तर और आयु या कक्षा के सत्रांत पर छात्री में क्या प्रगति देखना चाहते हैं छात्रों में, ये बहुत एक महत्वपूर्ण विषय हमारे लिए है। इस प्रकार का एक दर्शन, इस प्रकार का एक विजन ऐसे संकेतक और अंततः ऐसे छात्र प्रोफाइल विकसित करने में सहायता प्रदान करेगा जो पाठ्यचर्चा की रूपरेखा में के अंतर्गत पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप होंगे। यहाँ पर एक बहुत खास बात यह है कि एक शिक्षक में यह क्षमता होनी चाहिए कि वो बच्चे के अंतर्निहित संभावनाओं की सराहना कर सके, वो ये जान सके कि हर बच्चे में जो उसकी कक्षा के बच्चे हैं चाहे वो सशैक्षणिक हो चाहे वो शैक्षणिक गतिविधियाँ हों उसमें जब वो प्रतिभाग लेते हैं तो उनके अंतर्निहित संभावनाएँ क्या हैं और उन संभावनाओं की वो पहचान करे और उन संभावनाओं की वो सराहना भी कर सके, ये शिक्षक में तीन क्षमता होनी चाहिए। विकसित किए गए संकेतक पाठ्यक्रमी लक्ष्यों पर आधारित और एक दूसरे से पूर्णतः पृथक रूप से पहचाने जाने चाहिए। कई बार ये देखा गया जब हम लोग संकेतकों का निर्माण करते हैं तो वो संकेतक कई बार एक जैसे ही दिखते हैं। शिक्षक को इस चीज़ का ध्यान रखना है जब संकेतकों का निर्माण करे तो वो इस तरह से करें कि वो पूर्णतः पृथक रूप में पहचाने जाएं और संकेतक कई बार एक कक्षा से लेकर अन्य कक्षाओं तक फैले होते हैं, उनका जो प्रसार है वो एक कक्षा से मान लिया तीसरी कक्षा है चौथी कक्षा है और वो छठी कक्षा तक सातवीं तक वो फैले हुए होते हैं और अलग अलग स्तर पर वो संकेतक बनाए जाते हैं। ये एक बहुत खास चीज़ यहाँ पर हमको ध्यान रखने वाली है। संकेतक का क्षेत्र केवल पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यक्रम पर केंद्रित नहीं होना चाहिए वरना वो पाठ्यचर्चा के विशेष उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। हमको ये देखना है कि जो हमारी पाठ्यचर्चा है उसके उद्देश्यों के अनुरूप उसका निर्माण करना चाहिए। सिर्फ हम पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यक्रम पर ही आधारित होकर उसको नहीं बनाएं, वो हमारा आधार क्षेत्र होगा, ज़रूर होगा, लेकिन सिर्फ उस पर ही केंद्रित नहीं होने चाहिए। संकेतकों में शिक्षक द्वारा नियोजित किसी कार्य किसी गतिविधि पर बच्चे की
बहुलता युक्त प्रकृतियों या प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए। जो संकेतक शिक्षक जिनका निर्माण करता है और जिसके बारे में उसने कुछ कार्य और गतिविधियों के बारे में जो उसके विचार आए हुए हैं उनको कैसे प्रक्रियाओं में सम्मिलित किया जाए, इस पर बहुत गहराई से विचार एक शिक्षक को करना चाहिए और उसी के अनुसार जो संकेतक हैं उसका निर्माण और उसका प्रयोग में लाया जाना चाहिए। संकेतक का निर्माण बच्चे की अधिगम ग्रहण करने की सततता के रूप में समझते हुए करना चाहिए। ये बहुत एक मैं कहूँगा महत्वपूर्ण बात है कि आज हम जब कंटिन्यूटी की बात करते हैं, सततता की बात करते हैं और व्यापकता की बात करते हैं, आज हम बात करते हैं कि हमारा जो मूल्यांकन प्रक्रिया है वो कैसे सतत और व्यापक हो, जिस पर हमारे जिस तरह के भी हमारे पाठ्यक्रम आज की तारीख में, आज की डेट में, आज के युग में हम लोग चला रहे हैं अपने देश में और विश्व स्तर पर इसके बारे में चर्चा हो रही है, वहाँ पर संकेतकों का निर्माण बहुत आवश्यक है। क्योंकि संकेतकों का निर्माण बच्चे की अधिग्रहण ग्रहण करने की सतता के रूप में लिया जाता है और उसको ही आधार बना के हम चलते हैं। ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात है। संकेतकों से यह पता चलना चाहिए कि अधिगम कार्य के क्षेत्र में बच्चे कैसे प्रगति करते हैं, बल्कि बच्चों की भी इसकी सूचना होनी चाहिए और शिक्षकों को भी यह मालूम होना चाहिए कि वो कैसे प्रगति कर रहे हैं। उनकी प्रगति करने की जो रफ्तार है, प्रगति करने की जो उनकी दिशा है वो कैसी है, और उसके लिए हमने अलग अलग तरह के उपकरणों का प्रयोग करना होता है, हमने अलग प्रविधियों का प्रयोग में लाना होता है, अलग विधियों का प्रयोग में लाना पड़ता है। कभी हम साक्षात्कार के थ्रू, कभी हम जो अवलोकन है उसका प्रयोग लाते हैं, कभी हम कोई सूची के अनुसार या कोई भी हमारा कोई ऐसा उपकरण हो उसके प्रयोग से हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि अधिगम कार्य के संदर्भ में बच्चे प्रगति कैसे कर रहे हैं और किस क्षेत्र में। इससे पहले मैं एक चर्चा और कर चुका हूं जहां पर हमने वस्तु और विषय वस्तु और विषय के अनुसार कैसे हम बच्चे का आकलन करें उसकी बात की है, तो उसी संदर्भ में हम ये देखते हैं कि बच्चे कैसे प्रगति कर रहे हैं, किस क्षेत्र में उनकी प्रगति का जो रफ्तार है वो कम है और वो जो हमारी वांछित रफ्तार है वैसी नहीं है, या हम ये देखते हैं कि कौन से बच्चे हैं जो उत्कृष्ट अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो भी हमें उनकी प्रगति का यहाँ पता चलता है। इसके लिए संकेतकों का निर्माण अच्छी तरह से होना चाहिए। संकेतकों के निर्माण करते समय बच्चों के अनुभवों, बच्चों के प्रश्नों, उनकी अभिव्यक्तियों, उनके विचारों और संवादों को ध्यान में रखना चाहिए। हमको ये प्रयास करना चाहिए कि जो हम बच्चों के अनुभव हैं इसके लिए हम बच्चों से बातचीत करें, उनको चर्चा में शामिल करें, बच्चों से प्रश्न पूछने को उनको प्रोत्साहित करें और साथ ही साथ उनके माता पिता से बातचीत करें, उनका साक्षात्कार लें, कभी उनको चर्चा में बिठाएं। और बल्कि जब हम क्लासरूम में, जब हम कक्षा में होते हैं, तो हम कोई पाठ पढ़ाते हैं, तो पाठ पढ़ाते समय भी हम उनके अभिव्यक्तियों को, उनके विचारों को, उनके संवादों को समुचित स्थान दें। और टीचर हमेशा प्रयास करें, चाहे वो गणित का अध्यापक हो, चाहे वो हिंदी का अध्यापक हो, अंग्रेज़ी का अध्यापक हो, वो पढ़ाते समय इन सब चीज़ों के लिए उसको स्थान देना चाहिए। आपने विस्तार से संकेतकों के निर्माण की विधि और प्रक्रिया के बारे में बताया। मैं अपने शिक्षक साथियों की ओर से आपसे जानना चाहूँगा, इन संकेतकों का प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है? डॉक्टर ऋषभ, ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है कि एक शिक्षक स्वयं अपने कक्षा कक्ष की स्थिति के अनुसार संकेतकों का प्रयोग करे, क्योंकि एक सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में संकेतक एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं और आधार होते हैं शिक्षक की, अपने शिक्षक प्रणाली का, तो उसके लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है। और इसके लिए वो सर्वप्रथम पहले एक खुद उसको जितने भी उसने संकेतकों का निर्माण किया है उसके बारे में उसको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अध्यापक को उसको ये पता हो कि ये संकेतक का निर्धारण कैसे किया गया है, बच्चे के किस अभिव्यक्ति पर निर्भर करता है, बच्चे के किस स्थिति पर निर्भर करता है, और उसके जो उससे जुड़े हुए जो उसके चुनौतियां हैं, जो उसकी बाधाएं हैं संकेतक का प्रयोग करने में, उसका भी संपूर्ण ज्ञान अध्यापक को होना चाहिए, शिक्षक को मालूम होना चाहिए।
और इसके बारे में मैं यहाँ पर सुझाव देना चाहूँगा कि शिक्षक आपस में बैठकर, जैसे कुछ गणित के अध्यापक हैं उस विद्यालय में, अगर 3-4 गणित के अध्यापक हैं वो एक साथ मिलकर इस चीज़ पर चर्चा करें और विचार करें कि ये संकेतक है, इसका प्रयोग लाने में हमको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, कौन कौन सी चुनौतियाँ आएंगी जिससे कि वो उसको हम चुनौती को एक महत्वपूर्ण परिणाम में परिवर्तित कर पाएँ, एक बहुत अच्छे धनात्मक परिणाम में परिवर्तित कर पाएँ। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में संकेतक एक महत्वपूर्ण कड़ी है। संकेतक वह आधार है जिसके माध्यम से बच्चों के से संबंधित क्षेत्र में दक्षता का सुव्यवस्थित विकास किया जाता है। हम आज की डेट में, आज की तिथि में, आज के परिवेश में हम दक्षता के सुव्यवस्थित विकास की बात करते हैं, इसलिए बहुत आवश्यक है कि संकेतक का प्रयोग करते समय अध्यापक कुछ इन बातों का ख्याल रखे जो कि बहुत उसके लिए ज़रूरी है। पहली बात कि कक्षा कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान संकेतक को बच्चों के लिए सुगम और सहज बनाने के लिए उपयुक्त सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। अध्यापक को ख्याल रखना है कि कोई भी शिक्षक प्रक्रिया है उसमें अगर हम संकेतकों को का प्रयोग कर रहे हैं और उसके लिए हम जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनकी जो अधिगम है उसको सुगम और सहज बनाने के लिए कौन कौन किस तरह की उपयुक्त सहायक सामग्री होगी, चाहे वो कोई हमारी इस तरह की सहायक सामग्री हो जिसमें कि हम बात करते हैं कोई एक्टिविटी करानी हो, किसी तरह का कोई प्रयोग कराना हो, कोई किसी सामग्री का प्रयोग मिलाना हो, जैसा भी कुछ हो, इसका निर्धारण पहले ही होना चाहिए और इसके लिए उसको अध्यापक को उसकी तैयारी करनी चाहिए। सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान संकेतक से संबंधित उन सभी विधियों और प्रयोगों या गतिविधियों का आदि का प्रयोग किया जाए जिनसे संकेतक के उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। दैट मीन्स को उसको जितने भी संबंधित विधि और प्रयोग हैं, गतिविधियाँ हैं, उन सब का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अभी मैंने पहले कहा कि हम लोग यहाँ पर साक्षात्कार का प्रयोग कर सकते हैं, चर्चा का प्रयोग कर सकते हैं, हम समूह चर्चा का प्रयोग कर सकते हैं, हम यहाँ पर प्रस्तुति अध्ययन का प्रयोग कर सकते हैं, हम यहाँ अवलोकन कर सकते हैं, जिससे अध्यापक को एक एक उससे संबंधित घटनाओं के बारे में पूरी जानकारी हो और पूरा कौन सी विधियों का, किन से प्रयोगों का वहाँ पर उसको लाया गया है, जिससे कि संकेतक जो हैं उससे उद्देश्य की पूर्ति होती है। संकेतक के कक्षा कक्ष में प्रयोग का आशय यह है कि वो बच्चा सीख रहा है। जब हम संकेतकों का प्रयोग करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि बच्चा सीख रहा है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि शिक्षण प्रक्रिया इतनी रोचक, इतनी सुगम और सहज हो कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया पर बच्चे की समझ पूर्ण रूप से बन सके। तो ये बहुत आवश्यक है कि इसका प्रयोग कैसे किया जाए संकेतक का, तो इस पर ये मेरे विचार हैं। धन्यवाद डॉक्टर वालिया, आपने विस्तार से इस बात पर प्रकाश डाला कि अध्यापकों को संकेत का प्रयोग कैसे करना चाहिए। मैं अपने अध्यापक साथियों की ओर से आपसे जानना चाहूँगा कि वे विभिन्न विषयों में संकेतकों का प्रयोग कैसे करें। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा डॉक्टर ऋषभ आपने। इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि हर विषय में जो क्षमताएं हैं, जो कॉम्पिटेंसीज होती हैं, वो अलग अलग होती हैं और इसके बारे में शिक्षकों को इसका ज्ञान होना चाहिए और उसी के अनुसार संकेतकों का निर्माण किया जाता है, उसी के अनुसार संकेतकों का प्रयोग किया जाता है और उसी के अनुसार संकेतकों के प्रयोग से आने वाले जो परिणाम हैं उनका हम व्याख्या भी उसी के अनुसार करते हैं। मान लिया हम बात करते हैं हिंदी भाषा की या किसी भी भाषा के शिक्षण की, तो वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है, हमारी जो प्राथमिक कक्षाएं होती हैं उसमें शिक्षक, जब एक शिक्षक है वो जब एक संकेतकों का निर्माण करता है हिंदी भाषा के अनुसार, तो वो देखता है कि जो उसके संकेतक बन रहे हैं वो उस पूरी क्लास के जो अलग अलग बच्चे हैं वो उन जो क्षमताएं हैं उसमें वो उसके संकेतकों के अनुसार किस तरह से प्रगति कर रहे हैं। मान लिया कि एक हम वर्तनी की बात करते हैं या लेखन की बात करते हैं, व्याकरण की बात करते हैं, तो इसके संकेतकों का इस विषय वस्तु में जाकर और उसके जो हमारी अधिगम संप्राप्ति है उसके अनुसार हम एक एक संकेतकों का निर्माण करते हैं और अध्यापक को ये पता होता है कि उस संकेतक में इस तरह के बच्चे का कहाँ पर प्रगति हुई है,
कहाँ पूर्व पिछड़ रहा है, तो ये उसका निर्माण उसके लिए हिंदी में या अंग्रेज़ी में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार अगर हम गणित की बात करें तो गणित में जो एक इमेजिनेशन होता है, जो एक समस्या समाधान वाली बात हम बात करते हैं, या जब या उसकी जो गणना की बात करते हैं, ये इस तरह की क्षमताएं होती हैं। और उस क्षमताओं में बहुत आवश्यक है कि जो अध्यापक है वो उसके अनुसार संकेतक बनाए और उसके अनुसार उन जो बच्चे हैं वो जो उस पर प्रतिभागी हैं, जो उस अलग अलग गतिविधियों में भाग ले रहे हैं कक्षा में और या कक्षा के बाहर भी, मैं मानता हूँ कि ऐसा शैक्षिक जो हमारी गतिविधियाँ होती हैं वहाँ भी संकेतकों का निर्माण होता है और उसके अनुसार अध्यापक ये देख सकता है कि हमारे जो कक्षा के जो बच्चे हैं, अभी जो मैं जैसे उदाहरण गणित का ले रहा था, तो वहाँ पर जो उसकी क्षमता है वो कौन सा छात्र, कौन सा बच्चा किस संकेतक में किस प्रगति पर है, क्या वो समस्या समाधान में, या वो अक्सर देखा गया है जो बच्चे डायग्राम्स बनाते हैं, जो फिगर्स बनाते हैं, जो उनका एक रचनात्मक हम बात करते हैं वहाँ पर, उसमें कहीं ना कहीं कुछ बच्चे पिछड़ते हैं, तो उसके अनुसार वो बच्चों की प्रगति का एक पूरा आकलन कर सकता है और आकलन के अनुसार वो उसकी व्याख्या करके बच्चों में जो संबंधित उपचार है वो भी ला सकता है। एक निदानात्मक जब हम शिक्षण की बात करते हैं तो वहाँ पर संकेतकों का बहुत बड़ा स्थान है। इसी तरह से हम अक्सर देखते हैं कि जो भूगोल है, ज्योग्राफी में भी बच्चे कहीं जो हमारे मैप है उसकी रीडिंग में या किसी इस तरह की किसी गतिविधि में कमज़ोर होते हैं, क्योंकि हमने उससे संबंधित शायद संकेतक का निर्माण नहीं किया, हमने के उसके अनुसार बच्चों की शायद प्रकृति को नहीं देखा। बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है कि अध्यापक इन सब चीज़ों के लिए हर विषय में, और इसके लिए मेरा सुझाव है डॉक्टर ऋषभ की, जो अध्यापक हैं वो एक साथ बैठकर इस पर चर्चा करें और विषय वस्तु के अनुसार बच्चों के स्तर के अनुसार संकेतकों का निर्माण करें, क्योंकि संकेतकों के निर्माण से हमारा जो आकलन है, हमारा जो बच्चों का मापन है और बच्चों के जो प्रगति, उनके प्रदर्शन का जो मूल्यांकन है वो और सुसंगठित और बहुत सुव्यवस्थित हो जाता है। उसके लिए अध्यापकों को एक साथ बैठकर और उसमें कुछ चर्चा करें और उसमें वो चर्चा में कभी कभी छात्रों को भी साथ में ले सकते हैं, उनके अनुसार भी बनाए जा सकते हैं। ऐसा इस तरह का प्रयोग बहुत सारे देशों में हुए हैं और जहाँ पर उन्होंने अपने इस बच्चों के जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको मजबूत बनाया है संगीतकों के माध्यम से। इसी तरह से कई ऐसे भी विषय हैं जहाँ पर जो विषय हमारे पाठ्यक्रम में रखे जाते हैं, जैसे कि कोई हमारा म्यूज़िक है या हमारे कोई दूसरे सब्जेक्ट हैं, हमारे सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क है या इस तरह के सब्जेक्ट जो हैं, वहाँ पर भी अध्यापक कुछ ना कुछ संकेतकों का निर्माण करके और उसी के अनुसार अधिगम प्रक्रिया का वो निर्माण करता है, उसी के अनुसार अधिक्रिया प्रक्रिया को वो ले कर चलता है। बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर जो आवश्यक है वो ये है कि अध्यापक उस पर पहले से विचार करें और सब अध्यापक उस पर चर्चा करें, साथ में जो वहाँ के प्रशासक हैं उनका भी इसमें यहाँ पर बहुत प्रतिभाग लेना बहुत आवश्यक है, तभी अच्छे संकेतक बन पाएंगे और हम बच्चों की प्रगति को एक अच्छी दिशा की तरफ ले जा पाएंगे। बहुत ही विस्तार से आपने आकलन के संकेतकों पर चर्चा की। यह चर्चा हमारे सहभागियों के लिए, हमारे शिक्षक साथियों के लिए बहुत मददगार साबित होगी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप संक्षेप में महत्वपूर्ण बिंदुओं का हमारे लिए, हमारे शिक्षक साथियों के लिए एक बार पुनः उल्लेख कर दें, जिससे इस विषय को हम सारगर्भित रूप से समझ सकें। धन्यवाद। जैसे अभी हमने बात की, सर्वप्रथम मैंने बात की कि जो संकेतक होते हैं उनका एक स्थान क्या है, वो क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग सिर्फ प्रकरण के आधार पर ही अपने शिक्षक प्रणाली की संरचना करते रहे, वैसी हम योजनाएँ बनाते रहे, लेकिन संकेतकों के अनुसार बनाना, अपनी योजना बनाना अपने शिक्षण की और अपने जो हमारी और भी दूसरी हमारी गतिविधियाँ हैं उसमें संकेतकों को लेकर उसके अनुसार हम अपने कार्य प्रणाली में सुधार लाएँ, इसके लिए हमने आपसे बातचीत की। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो संकेतक हैं इनका अपनी जो महत्व है वो हमारे अध्यापकों के लिए और शिक्षण प्रणाली के लिए, शिक्षण प्रक्रिया के लिए क्या है, उसकी भी हमने इस पर विस्तृत चर्चा करी और जाना कि एक शिक्षक जो है उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो बच्चे के अंतर्गत जो संभावनाएं हैं
उसकी सराहना कर सके, उसमें छुपे हुए कौशलों का वो पहचान कर सके, उसका जो ज्ञान स्तर है उसकी वो पहचान कर सके, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके पास संकेतक बने होने चाहिए। हमने ये भी देखा कि संकेतकों का निर्माण कैसे करते हैं, क्या विधियाँ क्या प्रक्रिया है, उसकी भी बात हमने की इस अपने चर्चा में। और साथ में हमने ये भी देखा कि उन संकेतकों का प्रयोग एक कक्षा में क्लासरूम में कैसे करना चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ उठानी चाहिए हमको, और किस तरह से हम दूसरे अध्यापकों को इसमें सम्मिलित करके और माता पिता को बच्चे के सम्मिलित करके किस तरह से हम उनका निर्माण कर सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। ना सिर्फ प्रयोग बल्कि उससे आए हुए जो हमारे परिणाम हैं उसका हम आकलन करके उसका विश्लेषण करके कुछ निष्कर्ष निकालें, और जिसमें कि बच्चे की प्रगति को, जैसा मैंने हमने कहा, जो उसकी प्रगति है उसको एक सही दिशा और दशा की तरफ हम ले जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। हमने ये भी आपके साथ अभी यहाँ पर चर्चा में भाग लिया कि अलग अलग विषयों में संकेतकों का निर्माण कैसे करते हैं और अलग अलग विषयों में संकेतकों का क्या स्थान है, इस पर भी हमने संक्षिप्त में चर्चा करी। मुझे आशा है कि जो हमारे शिक्षक भाई हैं, जो हमारे शिक्षार्थी हैं, वो अपनी अपनी कक्षाओं में अपने अपने विषयों में इस चीज़ को प्रयोग में लाने का प्रयास करेंगे और ये देखेंगे कि वो आपस में विचार करके कि जिसमें वो पाठ्यक्रम का भी सहायता ले सकते हैं, पाठ्य पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं और अपनी जो अपनी बातचीत भी कर सकते हैं अध्यापकों के साथ, अपने जो उनके साथी हैं, और उस तरह से संकेतकों को निर्माण करें और उसके अनुसार अपने शिक्षक प्रणाली को ढालें। धन्यवाद डॉक्टर जे एन वालिया। आज डॉक्टर वालिया ने हमारे साथ आकलन संकेतकों के निर्माण, व्याख्या, विधि, उपयोग और प्रक्रिया की चर्चा की। इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए अपने अध्यापक साथियों की ओर से मैं डॉक्टर वालिया का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और मैं उनका आभार भी स्वीकार करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर वालिया। प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय के लोच से,